जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक हॉट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कि क्या पुलिस भर्ती जो हुई है अभी कांस्टेबल का रिटर्न एग्ज़ाम 27 मार्च को, क्या वो रद्द होने वाला है या नहीं। तो ये एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं, तो इसके लिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। और मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ के रिगार्डिंग लेके आया हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, ये एक चैट को लेकर पैदा हुई थी जो कि वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, और कुछ लोगों ने जो है आरोप लगाए थे कि जो एग्ज़ाम था, जो इसका क्वेश्चन पेपर था, वो लीक हो गया था और इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। दूसरी बात, ये भी कह रहे थे लोग कि जो एक ही परिवार के कई जगह दो या तीन या चार कैंडिडेट जो एक ही परिवार के हैं सिलेक्ट हो गए हैं, तो उस चीज़ को भी शक के नज़रिए से देखा जा रहा है। और तीसरी जो बात है, जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन जो मार्क्स थे वो बहुत कम आए हैं, और कुछ लोगों के मार्क्स दिखाए ही नहीं गए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर भी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मुझे काफ़ी कॉल्स आई थी इस बारे में, पूछ पूछ रहे थे काफ़ी कैंडिडेट्स जिनके एग्ज़ाम क्लियर भी हुए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी मैसेजेस आए थे, काफ़ी कमेंट्स आए थे कि क्या सर भर्ती रद्द होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों के तो अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो इस चांस को खोना नहीं चाहते। तो मैं पूरा प्रकाश डालते हुए आपको बताता हूँ कि जो DGP साहब हैं हिमाचल पुलिस के, उन्होंने क्या इस पे बयान दिया है, और CM ने क्या बयान दिया है, और CS ने क्या बयान दिया है। तो जो है, ये कुछ लोग जो थे शिमला गए थे, कुछ कैंडिडेट्स, और उन्होंने ज्ञापन जो CM साहब, CS साहब और DG साहब को सौंपना चाहा था, लेकिन DG साहब ने तो एक स्टेटमेंट दी भी थी लेकिन CS साहब और CM साहब जो है उन्हें नहीं मिले। तो DG साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी इस चैट के ऊपर पूरी जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाना जो है वो गलत है, और जो ये ठोस तथ्य नहीं है इसलिए ये पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराना ये गलत है। तो ये जो कैंडिडेट्स गए थे जिन्हें डाउट था, कि जिन्होंने आरोप लगाए थे कि कोई धांधली हुई है, ये CM और CS को ज्ञापन नहीं सौंप पाए, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जो अपना ज्ञापन दिया था। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए। तो ये तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी तैयारी अच्छी हो उसके मार्क्स भी अच्छे हैं। कई बार होता है एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, और एग्ज़ाम हॉल की जो बात होती है वो अलग होती है। जब हम ऐसे ही लाइब्रेरी या कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तैयारी उस हिसाब से आंकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है, जो एटमोसफेयर होता है, वो कई बार जो बियर नहीं कर पाता कैंडिडेट। तो मैं इस जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इससे इसकी रिगार्डिंग 14 जो अप्रैल को एक न्यूज़ आई थी अमर उजाला में, मैं उसकी कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। और ये कटिंग जो है, इसमें लिखा है कि पुलिस भर्ती पर नया विवाद, पेपर लीक होने की सरकार से शिकायत। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस भर्ती में पेपर लीक होने की राज्य सरकार से शिकायत की गई है। इस बारे में अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्य सचिव और गृह सचिव से शिकायत की है। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्य सचिवालय ही पहुंच गया। वहीं DGP संजय कुंडू का कहना है कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही पूरी परीक्षा पर सवाल करना सही नहीं है। इस आरोप के पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। जो अभी तक की स्थिति है, जिस हिसाब से DG साहब ने स्टेटमेंट दी है उसी हिसाब से भर्ती तो कैंसिल नहीं होने वाली, और मैं जो लोग रह गए हैं इस भर्ती में उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगली भर्ती के लिए तैयारी करें, और जो जो सिलेक्ट हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में जिनके अच्छे मार्क्स हैं और जो अपने आप को देख रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए और जो फर्दर प्रक्रिया है पुलिस डिपार्टमेंट की उसके लिए हमें कॉल लेटर आएंगे, तो वो प्लीज़ तैयारी करें अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और आगे की जितनी प्रोसीजर है उसके लिए तैयारी करें। और अगर आप प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं लिंक। मैंने एक वीडियो बनाई है इस बारे में भी, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।